अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो आज अपन बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। राइस ले लीजिए वाइट, काली मिर्ची ले लेना है, कैरेट ले लेना है, हरी मिर्चियाँ ले लेना है, करियापक ले लेना है थोड़ा सा, दो तीन कैप्सिकम ले लेना है, मिर्ची ले लेना है, नमक ले लेना है, हल्दी ले लेना है, गरम मसाला ले लेना है, कोतमीर ले लेना है और दो अंडे ले लेना है। अंडे को फोड़ लेते हैं कटोरी में। इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। खाने में भी काली मिर्ची ऐड कर लेना है एक चम्मच। चलिए तेल गरम कर लेते हैं। दो चम्मच तेल ले लेना है। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है, तो चलिए इसमें अपन गाजर भी ऐड कर लेते हैं। अब गाजर को भी फ्राई कर लेना है अच्छे से। कैरेट और हरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है, तो चलिए इसे इसमें कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। करियापक ऐड कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडे को फेंट लेते हैं। वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इसमें एक चम्मच हल्दी डाल लेना है और एक चम्मच मिर्ची ऐड कर लेना है। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड कर लेना है। और एक चम्मच विनेगर ऐड कर लेना है। कोथमीर ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इसमें राइस मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइस मिक्स हो रही है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए पैन में तेल डाल लेते हैं अंडा तलने के लिए। तेल गरम हो चुका है, तो चलिए इसमें अंडा डाल लेते हैं।
तो यहाँ पे अपना एग फ्राई हो चुका है, तो चलिए इसे फ्राइड राइस में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे अपना फ्राइड राइस रेडी हो गया।